प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ को एक बेहद कड़क प्रशासक जरूर माना गया, लेकिन अभी जब ये गोलीकांड हुआ है उसके बाद से विपक्ष ने घेरेबंदी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई को मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय मीडिया के कैमरों के सामने गोली मारी गई, उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी ने खास करके पूछा है कि यूपी में ये क्या चल रहा है। वो इस बात से अभी भी आहत है कि जब बंगाल में दंगा हुआ था रामनवमी के त्योहार के बाद, उस समय सेंट्रल फोर्सेस को वहां भेजा गया था। ममता बनर्जी पूछ रही है कि क्या यूपी में भी ऐसा हुआ है। हम क्राइम का पक्ष में नहीं हूं, क्राइम तो बीजेपी करते हैं और जुलूम करते हैं, हम उसको निंदा करती हूं। लेकिन जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी राज में, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं, तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है, उसका बाद कितना सेंट्रल टीम किया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में, जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही है खराब। क्या लगता है सर, एनकाउंटर हो गया सर उसके बाद? नहीं नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार पुलिस को तो इतना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं जो सतपाल मलिक ने कुछ रेवल्यूशन किए हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं पुलवामा को लेके, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर पैसा जमा करके दिल्ली में पहुंचाते हैं, फिर अडानी के पास जाता है, करप्शन को लेके जितनी भी बातें, खासकर पुलवामा में जहां 40 जवानों की शहादत हुई, उसमें क्या लापरवाही बरती गई, किस तरह उसको छुपाने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों से ध्यान हटाने के लिए भी ये जो अतीक अहमद और उसके भाई को जो गोली मार के पुलिस की हिरासत में हलाक किया गया। जितने केस बता रहे हैं, अभी एक केस में सजा हुई है, किसी केस में अतीक अहमद दोष सिद्ध नहीं हुआ, किसी केस में, एक में भी। रोज फर्जी सैकड़ों मुकदमे लोगों के खिलाफ लिखाए जाते हैं, तो हजारों पुलिस की ड्यूटी पे लगे हुए थे। उस व्यक्ति को, उन दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी, हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी, पुलिस के थी, कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते, तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। और जब भी और आज भी अगर जांच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। और अब वो सवाल जो सियासी तौर पर उठाए गए वो आपने देखे, लेकिन दो ऐसे चेहरे जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पहला चेहरा गुड्डू मुस्लिम का, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार वो कर्नाटक के किसी हिस्से में नजर आया था आखिरी बार। और दूसरी तरफ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिस पर 3 मामले हैं। हालांकि गुड्डू मुस्लिम को लेकर पुलिस की तलाश बहुत तेज है, जो एसटीएफ की टीम है वो उसकी तलाश में जुटी हुई है। शाइस्ता परवीन को लेकर बहुत सारी अटकलें थी कि क्या वो जनाजे के समय पहुंचेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये दो चेहरे जिनकी तलाश है पुलिस को। अपनी मौत से 18 दिन पहले अशरफ का दावा था, 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। क्या वही हुआ जिसका अंदेशा अशरफ ने जताया? अशरफ ने कहा था 2 हफ्ते में जेल से बाहर निकालेंगे, मार देंगे। 2 हफ्ते 4 दिन में अतीक अशरफ को मेडिकल कराने लाया गया, 3 शूटर आए, गोली चलाई, अतीक अशरफ मर गए। अब सवाल है, क्या अशरफ का बंद लिफाफा गोली चलवाने वालों का भी नाम खोलेगा? क्या अशरफ की चिट्ठी में किसी नेता, किसी भूमाफिया, किसी बिल्डर, किसी कारोबारी का नाम हो सकता है? संभव है कि आपको लगेगा कि अरे अशरफ ने चिट्ठी की बात यूं ही कह दी होगी,
तो रुकिए। अगर आपको लगता है कि अशरफ मर गया और चिट्ठी अब कौन भेजेगा, तो समझ लीजिए अतीक के जेल में रहने के दौरान प्रचार के लिए सभाओं में अपनी चिट्ठी अतीक भेजता था। अतीक की चिट्ठी कई बार चुनावी सभाओं में उसकी पत्नी शाइस्ता पढ़ती थी। ये उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान पिछले साल की तस्वीरें हैं। बुर्काधारी शाइस्ता परवीन है, वही शाइस्ता जो ना तो अपने बेटे असद के मरने के बाद अब सामने आई, ना ही अपने पति और देवर की मौत के बाद आखिरी बार चेहरा देखने आई। फरार चल रही इनामी शाइस्ता क्या अशरफ की चिट्ठी अब बड़े लोगों तक पहुंचा सकती है? क्योंकि शाइस्ता ही है अतीक की चिट्ठी पहले चुनावी सभाओं में पढ़कर वोट मांगती थी। मैं और मेरा भाई जेल में है, बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसा कर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो, शायद मेरे वाली जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत ना देते। यानी जैसे शाइस्ता अतीक की चिट्ठी पढ़ा करती थी, क्या पता वो अशरफ की चिट्ठी वाला बंद लिफाफा सामने ले आए और उन चेहरों से भी पर्दा हट जाए जो हत्याकांड के पीछे हो। सूत्रों की माने तो शाइस्ता को असद को छुपाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी और अतीक अहमद के कहने पर एक मुस्लिम बिल्डर ने शाइस्ता तक 80 लाख रुपए की खेप पहुंचाई। बाद में जब छापेमारी हुई तो अतीक के करीबियों के घर से 75 लाख रुपए नगद कैश, हथियार और साथ साथ ढेरों शेल कंपनियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। अतीक ने पुलिस को 14 ऐसे लोगों के नाम बताए थे जो उसे फंडिंग करते थे। अतीक के कहने पर ये लोग शाइस्ता परवीन तक पैसे पहुंचाते थे। उनमें 11 नाम ऐसे हैं जो प्रयागराज की कालिंदीपुरम, चकिया, मरियाडी, बमरौली, असरौली, कौशाम्बी के महगांव और बेली के रहने वाले हैं। अतीक इन्हें आसपास के किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव पर देकर प्रॉपर्टी डीलर्स को कारोबार करने में मदद करता था। इसके बदले अतीक अहमद को भारी भरकम रकम पहुंचाई जाती थी। दावा है कि इन सब से पर्दा अब शाइस्ता ही उठा सकती है जो फरार है।